हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पंचमुखी और हम लोग जा रहे हैं गांधी मैदान। यहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिल जाता है। यहाँ से आप पंचमुखी देख लीजिए, यही है पंचमुखी मंदिर, और यहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिल जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं गांधी मैदान। फर्स्ट बार आए हैं और चलिए हम लोग साथ में घूमते हैं। आज आए हैं, भीड़ तो ज्यादा है, लेकिन आप कोशिश करिए हर आपका फुटेज आपको दिखा पाए। हाँ, आइए कैमरामैन दिखा देखते हैं। गेट नंबर 5 पे हैं हम लोग। आपको गांधी जी का जो प्रतिमा है आपको दिखाई है, किस तरह यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे आते हैं, किसी तरह के लोग आते हैं, आप चलिए आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर मूल रूप से लोग खेलने आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है और नेता सब भी आते हैं। इतना भीड़, मतलब यहाँ अगर कोई नेता आ गया तो समझिए सही में बन गया, वो भीड़ इकट्ठा हो गया। और बड़े बड़े एक्टर तो पटना अगर आते हैं तो यहीं आते हैं गांधी मैदान में। इधर दिखा दो इधर, ये इतना बड़ा मैदान है कि एक साथ पर टिकट खो सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन काम के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला होती है, तो क्या लगता है कितना आदमी हो सकता है पूरा मैदान भर गया? कितना आदमी आ जाएगा? दोनों लगाइए थोड़ा। उसके लिए वो प्ले करने के बाद दिखाई देगा, अपने बच्चे का रहेगा तो बच्चे बच्चे फिलहाल वो तो बंद है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा बड़ा हो गया है तो उसमें खेल नहीं पाएगा। हाँ, दोस्तों हम लोग पहली बार आए हैं गांधी मैदान में और आपके साथ ही घूम रहे हैं, तो देखते हैं क्या सब है, किधर है, इधर दिखा दो भीड़ कितना है। दोस्तों अगर आपको पटना में कोई मैदान चाहिए खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप गांधी मैदान आ सकते हैं सिर्फ खेलने के लिए। हर मोड़ पे पिच मिलेगा, नया पिच हर मोड़ पे पिच मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा जो नहीं बता सकता। 100 के बाद गेंद खोजना मुश्किल हो जाएगा, किसका गेंद कौन मारा आपको पता नहीं चलेगा। हर शॉट पे पिच ही मिलेगा, अगर गेंद पकड़ने जाएगा तो दूसरा पिच मिल जाएगा। तो हम लोग भी आएंगे कभी, यहाँ भी फायदा है कि मतलब आप बैटिंग इससे आउट होकर दूसरे पिच में जा सकते हैं, दूसरे माउट में तीसरे में जा सकते हैं। ये तो ये क्या है, ये सब चाय चाय तो हम लोग नहीं पीते हैं। हाँ हम पीते हैं, लेकिन अभी नहीं पियेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आए हैं गांधी मैदान घूमने और आप लोगों को घुमाने। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट करके कि कहाँ जाना है। अब कमेंट कीजिएगा तो फिर ही हम जा पाएंगे कहीं आगे। कहाँ जाना है पटना में ये बताइए। यहाँ ये क्या है यार? को खोज रहे थे और मिल गया, ये देखिए पीछे जो नजर आ रहा है। और इधर जूम कीजिए, वहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर भी दिख रहे हैं। जूम कीजिए, 3 बंदर भी है क्या? विकास जी जूम करके दिखाइए, ऐसे नहीं चलेगा क्या? 3 बंदर वहाँ पे भी है, देख लीजिए। और 3 बंदर चलिए नजदीक दिखाएंगे, नजदीक से चलिए 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 हम लोग देखेंगे और मजे करेंगे। ये एक बंदर यहाँ पे है, बैडमिंटन आप लाके यहाँ पे खेल सकते हो। हम लोग का 5-6 सेट रखा हुआ है। हम लोग भी एक महीना सोच रहे हैं बैडमिंटन खेलेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। ब्लॉग बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं बस। तो दोस्तों अभी तक जो कैमरा पकड़ा हुआ था वो यही था, और जो देख रहे हैं विकास के साथ आगे चलते हैं। आप तो हम लोग चलते हैं, जैसे बात कर रहे थे गांधी जी के प्रतिमा के पास जाएंगे, तो चलो चलते हैं। इधर से ही जाने वाला ना,
चलो बैडमिंटन इसके अंदर चल रहा है क्या? खेल सकते हैं। हाँ खेल तो सकते हैं। लिए आपको आपके पास बैडमिंटन होना चाहिए। हाँ बैडमिंटन कोर्ट ये सब होना चाहिए। कोई चार्ज नहीं लगता है इस गांधी मैदान में आने के लिए। इधर देख लीजिए आप बच्चे खेल रहे हैं। अंदर कहाँ जाने वाला है वहाँ से? अरे विकास आगे आ जाओ था। विकास बाबू यार हो गई है पीर पर्वत सिर पिघलनी चाहिए इस हिमालय से। क्या विकास को हमेशा वही सब दिखाई पड़ता है जो आप सोच रहे हैं? अरे विकास की तो विकास के लिए कामना कीजिएगा कि मिल जाए शायद कोई हो विकास के लिए तो कमेंट करें। क्या यहाँ से पर पहुंच चुके हैं। उधर दिखाओ गेट नंबर वन। और यहाँ आपको पूरा गांधी मैदान घुमा देंगे। गांधी मैदान चारों तरफ चारों ओर से दिखा दो गांधी मैदान को। हम लोग लगभग घूम चुके हैं गांधी मैदान पूरा। तो गाइज हम लोग पूरा गांधी मैदान घूम लिए हैं। मजा तो आया काफी लेकिन थोड़े तरीका से थक चुके हैं हम लोग क्योंकि गांधी मैदान सही में बहुत बड़ा है। यहाँ दिखा दीजिए यहाँ से वहाँ तक हम लोग का अभी दौर हुआ था जिसमें कि सोनू जीता है। सोनू जी ये देखिए और मैं सेकंड आया था और ये थर्ड। जो कि ऐसा कोई बात है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था उसका लोग को दिखाने के लिए बोल रहे उसका उसका खुशी दे खुशी देखिए। ये देखिए सोनू सोनू विनर है विनर हमारे सोनू। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम लोग पूरी तरीका से थक चुके हैं। हो सकता है आप लोग भी देखते देखते आप लोग को तो अच्छा ही लगा होगा। हम लोग को भी फाइनली बहुत ही अच्छा लगा। मजबूरी में हम लोग को वीडियो एंड कर रहा है क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ। तो आप लोग को बोरिंग लगेगी तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे हमें और ऐसे जाइएगा भी नहीं लाइक वीडियो को लाइक मारिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ठीक है। वरना अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो रात में बापू जी आएंगे आपके सामने तब हम लोग करेंगे। देखो मेरे लिए लाइक करो ना करो बापू जी के लिए देख रहे हो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। वो भी जीता है वो बोल रहा है कि हम भी जीते हैं। वो भी जीता है तो बोला अपना सर हमारे और मजा आता। हाँ हमारे वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए या ना कीजिए लेकिन बापू जी के लिए एक लाइक तो बनता है। हाँ। तो अब आगे बताइए कमेंट करके कि कहाँ जाना है पटना में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा मिलते हैं अगली वीडियो।